हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि गंगा नदी का नाम बदल गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने दोस्तों, ये दोस्तों दोस्तों कुछ टू मच हो गया ना। लेकिन आजकल दोस्तों दोस्तों करके बात करो ना तो ही लोगों को बातें समझ में आती हैं। खैर मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, तो गंगा नदी का नाम बदल चुका है। जी हाँ आपने सही सुना दोस्तों, गंगा नदी का जो नाम है वो अब राकेश टिकैत हो चुका है। जी हाँ, ये राकेश टिकैत जो कभी किसान बन जाता है, कभी वो पॉलिटिशियन बन जाता है, वही राकेश टिकैत अब गंगा नदी बन चुका है। देखिए ऐसा है कि हमारे देश के जो कुछ पहलवान हैं वो कल गए थे हरिद्वार में। हरिद्वार में वो गए थे गंगा नदी में अपने मेडल प्रवाहित करने, लेकिन गंगा नदी की जगह इन पहलवानों ने अपने मेडल जो है वो राकेश टिकैत में प्रवाहित कर दिए हैं। गंगा नदी के अंदर जो मेडल जाने थे वो मेडल अब राकेश टिकैत के पास आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे गंगा नदी जो है वही राकेश टिकैत है, या राकेश टिकैत जो है वही गंगा नदी है। तभी तो पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी की जगह राकेश टिकैत की झोली में डाल दिए हैं। और ये पहलवान जो कि पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे हरिद्वार में, अब ये हरिद्वार में ही क्यों गए थे और गंगा नदी में ही इन्हें ये मेडल क्यों विसर्जित करने थे, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोस्तों। कल क्या था? कल गंगा दशहरा था, और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु पहुँच जाते हैं हरिद्वार। अब इतनी सारी भीड़ है भैया वहाँ पर श्रद्धालुओं की, इतनी भीड़ के सामने अच्छा खासा फुटेज मिल जाएगा पहलवानों को। और ये जो पहलवान है ये तो वैसे भी अटेंशन सीकर है भाई साहब, आपको तो पता ही होगा। अभी हमारे देश में जो नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन था, सेरेमनी वगैरह चल रही थी, मीडिया का वहां जमावड़ा था, तो आपने देखा उस दिन ये सारे पहलवान अपने जंतर मंतर से तीन टप्पर उठा करके नई संसद भवन के सामने पहुंचना चाहते थे। फिर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था, फिर वहां पर इन पहलवानों ने आर शुरू कर दिया था। तो कितने नौटंकीबाज हैं ये पहलवान और कितने नेक्स्ट लेवल के अटेंशन सीकर हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नई संसद भवन के सामने इन लोगों को फुटेज नहीं मिला तो इनकी जो टीम है इन्होंने कहा, अरे सुनो गंगा दशहरा आ रहा है, उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु होंगे हरिद्वार में, चलो फिर क्या करें, चलो फिर हरिद्वार चलते हैं और वहां पर गंगा जी में मेडल प्रोवाइड कर देंगे। तो यही समझ जाइए कि कितने नेक्स्ट लेवल के शाणे हैं ये पहलवान। ये पहलवान और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है जहां पर सुवरा भास्कर है, कई सारे पत्रकार जैसे कि रवीश है, वो आरजे साइमा, या फिर और तमाम पत्रकार जो इन पहलवानों के सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि कुछ चुनिंदा पहलवानों के लिए ये लोग पूरे देश को कहीं ना कहीं बदनाम कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जो केरला स्टोरी के टाइम पर खड़े हो जाते हैं, अरे यार तीन लड़कियों की कहानी थी यार, इन तीन लड़कियों के चक्कर में पूरे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं, बताओ। लेकिन ये लोग कुछ पहलवानों के चक्कर में पूरे देश को बदनाम कर देते हैं। इन्हीं की मंडली की है ना वो राणा अय्यूब, वो अतीक अहमद के लिए पूरे इंडिया को बदनाम कर देती है। आप खुद देखिए, एक पहलू खान या फिर एक तबरेज या फिर एक अतीक अहमद मरता है, अरे इस्लाम खतरे में आ गया भैया, भारत में माइनॉरिटी खतरे में आ गई। तो मतलब एक दो लोगों के लिए ये लोग पूरे देश को बदनाम कर सकते हैं और फिर उठ करके ये ज्ञान देते हैं, अरे केरला स्टोरी ने मतलब तीन लड़कियों ने पूरे केरला को और पूरे मुसलमानों को बदनाम कर दिया। वाह वाह वाह, क्या गजब दोगलापन है ना, प्रचंड लेवल का दोगलापन और प्रचंड लेवल की नौटंकी चल रही है जंतर मंतर पर। और ये पहलवान सोच रहे थे हाँ किसी को क्या ही पता चलेगा, अरे भैया सब समझ जाते हैं हम इन पहलवानों की क्या नौटंकी चलने वाली है। ये जो जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी का जो गठबंधन है, ये जो आंदोलन जीवी पहलवान है ना, ये जॉर्ज सोरस और राहुल के नए प्यादे बन चुके हैं। इन्हें लगा था कि दुनिया जो है इनके झांसे में आ जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार में क्यों जाना चाहते हैं। चलो गए तो गए, और मैंने कल कहा भी था कि ये पहलवान अगर एक बार की औलाद होंगे ना तो मेडल के साथ साथ जो रुपया पैसा प्रॉपर्टी लैंड जो कुछ मिला है वो भी वापस करेंगे। लेकिन सरकारी फंड से मिला पैसा, सरकारी जॉब, सरकारी घर, लैंड प्लॉट और करोड़ों रुपए जो मिले हैं वो तो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करके ये पहलवान गए थे कि हम जा रहे हैं भैया गंगा जी में ये अपने मेडल बहाने। अरे भाई बहाने बनाने थे इन पहलवानों को, सिर्फ मीडिया का अटेंशन चाहिए था इनको, क्योंकि इनके आंदोलन की पोल पट्टी तो खुल चुकी है, देश की जो जनता है वो अच्छे से समझ चुकी है कि जैसे शाहीनबाग था, फिर किसान आंदोलन, और अब वैसे ही 2024 के लिए इन लोगों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया, तो इनके आंदोलन को सपोर्ट मिलना हो गया कम, तो पब्लिक का अटेंशन कैसे लिया जाए। चलो चलो यार गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार चलते हैं। जब बड़ी बड़ी बातें करके गए थे ये पहलवान, तो टिकैत ने ऐसा क्या बोल दिया कि भाई ये तुरंत मतलब ठंडा पड़ गया इनका गुस्सा, और ये मेडल बहाने गए थे लेकिन बहाने बना करके वापस आ गए। तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि ये पहलवान जो कि खुद को एथलीट बोलते हैं, रेसलर बोलते हैं, ये पहलवान नहीं रहे हैं। ये पहलवान अब
नौटंकीबाज बन चुके हैं। इन लोगों को कुश्ती, रेसलिंग, दंगल, अखाड़ा छोड़ करके लाइट कैमरा एक्शन खेलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नौटंकी करने में तो एक्सपर्ट हो चुके हैं ये पहलवान। और वो तमाम मीडिया के लोग जो ब्लाइंडली इन पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पत्रकार जो कहते हैं हम तो सवाल करेंगे, इन पहलवानों से कोई सवाल क्यों नहीं करता कि इनके पहलवानों के प्रोटेस्ट के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? अब ये हरिद्वार पैदल चल के तो नहीं गए होंगे, गाड़ियों का लाभ लश्कर गया होगा, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल, और डीजल पेट्रोल तो बहुत महंगा भाई साहब, और डीजल पेट्रोल कितना महंगा है इसके बारे में वही पत्रकार पीपड़ी बजाते रहते हैं महंगाई महंगाई करके। अब इन पहलवानों से तो नहीं पूछ रहे होंगे कि भैया तुम्हारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल कौन डलवा रहा है, पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ पर पहलवानों से कोई सवाल नहीं होगा, इन पहलवानों से ये भी सवाल नहीं होगा कि भैया तुम मेडल बहाने गए थे वहाँ पर नदी में, लेकिन बहाने बना के वापस आ गए, और मेडल ही क्यों वापस कर रहे हो, या फिर मेडल का ही त्याग क्यों कर रहे हो, जो सरकारी सुख सुविधाएं मिली हैं उसका त्याग कब करोगे? इस तरह के सवाल कोई भी, हम सवाल करेंगे भैया, सवाल पूछना हक है हमारा, लेकिन सवाल होंगे सिर्फ मोदी से या फिर बीजेपी से, इन पहलवानों से कोई सवाल नहीं होगा। आश्चर्य की बात है कि सवाल पूछने के हिमायती लोग इन पहलवानों से कोई सवाल नहीं कर रहे कि भैया कोई सबूत दिखा दो, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो, कोई चैट दिखा दो। इनफैक्ट आपके सामने जो स्क्रीन पर आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये 2018 का क्लिप है, जहां पर ये फोगाट, बजरंग पुनिया ये सब किसी मीडिया इवेंट में बैठे हैं। वहां पर बॉलीवुड में मीटू जो चलता था ना, उसके आधार पर क्या स्पोर्टिंग फेडरेशन में भी ये हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजें होती हैं? तो ये विनेश फोगाट जो कि अब बहुत ज्यादा विधवा विलाप कर रही कि इसका शोषण हुआ, वहां पर जब सवाल पूछा गया कि कुश्ती के अखाड़े या फिर रेसलिंग फेडरेशन में भी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बोले नहीं भाई वहां कुछ नहीं होता है। जबकि यही विनेश फोगाट बोली कि 2015 और 16 में इसके साथ हुआ था, लेकिन 2018 के मीडिया इवेंट में बोलती, अरे मैं तो पहलवान हूं, शायद इसलिए हमारा शोषण करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इन पहलवानों की किस बात पर यकीन किया जाए? 2018 में ये बोलती है कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम अखाड़े वाले पहलवान उठा करके पटक देंगे। 2018 में ये इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है, लेकिन अब ये बोलती कि 2015 में, 2016 में, 2017 में हमारे साथ हुआ, लेकिन जब मीडिया इंटरेक्शन में इनसे पूछा गया तो नहीं कुछ नहीं हुआ था। तो इन पहलवानों की कौन सी बात पर यकीन किया जाए? अगर अब भी आपको ये पहलवान सच्चे लग रहे हैं, नौटंकीबाज नहीं लग रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग पोगो देखना शुरू कर दें, क्योंकि दीन दुनिया की जो बारीकियाँ होती हैं वो समझना शायद आप लोगों के बस की बात नहीं है। या फिर हो सकता है कि जस्ट बिकॉज कि आप लोग बीजेपी और मोदी से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि मोदी विरोध में अगर कल को सनी लियोनी भी आकर के बैठ जाए और बोले कि उसका शोषण हुआ है, वो तो बेचारी कुंवारी है, वर्जिन है, तो अब शायद आप उसको भी कुंवारी बोलना शुरू कर देंगे। जबकि हकीकत क्या है, सनी लियोनी कितनी दूध की धुली है, ये पूरी दुनिया जानती है। उसी तरह से ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये बजरंग पुनिया, ये कितने सच्चे, कितने दूध के धुले हैं, कितने रियल हैं, कितने नौटंकीबाज हैं, ये सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। कैसे ये टूल किट गैंग दुनिया को बेवकूफ बना रही है और दुनिया बेवकूफ बन रही है, और सवाल पूछने के पक्षधर जो मोदी से सवाल करेंगे, बीजेपी से सवाल करेंगे, दूसरों को गोदी मीडिया बोल देंगे, लेकिन कितनी आसानी से वो लोग सोरस के, गांधी के और इन पहलवानों के गोदी बन चुके हैं। आपके सामने सारी चीजें, अगर अब भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, इट्स बेटर यू वॉच पोगो। चलिए इन्हीं बातों के साथ ही वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।